अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको आज की इस वीडियो में आईबी जीडी 7 इंटेलिजेंस ब्यूरो जीडी 7 के बारे में बताने जा रहे हैं कि जीडी 7 का क्या काम होता है, इसके अलावा इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, ड्यूटी कहाँ होती है, सैलरी कितनी मिलती है और इसके अलावा और इसमें सहूलियात वगैरह क्या मिलती हैं, सब कुछ आपको, इसका रैंक क्या होता है, ट्रेनिंग कितनी होती है, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल के आइकन को दबाओ। मज़ीद अगर आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं जी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जीडी 7 का काम क्या होता है। तो व्यूअर्स ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ कि दोनों का यही सब कुछ रिक्वायर होगा, ठीक है। तो नंबर वन काम क्या होता है, देखें जी आईबी जो होती है वो आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आप जानते हैं कि ये खुफिया एजेंसी है, सिविल खुफिया एजेंसी है। इनका काम क्या होता है जी, इनका काम जो होता है वो निगरानी वगैरह का काम होता है, उनकी जासूसी का काम होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये पॉलिटिशियन वगैरह की जासूसी करते हैं, ठीक है। तो इनका ये काम होता है और सिक्योरिटी टाइप इनका काम होता है। आप जानते हैं कि एक सिक्योरिटी अदारा तो सिक्योरिटी काम है एज ए जैसे कॉन्स्टेबल होता है ना वैसे होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो इनका जो जासूसी वाला काम होता है ज़्यादातर ये पॉलिटिशियंस की जासूसी करते हैं और ये वज़ीर आज़म के अंडर होती है। नंबर टू अगर हम बात करें तो इनकी सैलरी की, जीडी 7 की अगर हम सैलरी की बात करें तो मौजूदा दौर में इनकी सैलरी जो स्टार्टिंग में लगती है आप लोगों की 30 से 35 हज़ार के दरमियान आप लोग की जो ज्वाइनिंग है वो आप लोगों को मिल जाती है जीडी 7 की, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आप लोगों की पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होता कि आपके सिटी में होती है। ट्रेनिंग आप लोग की इसकी इस्लामाबाद होती है, ठीक है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग कितनी होती है, ट्रेनिंग के इसकी बात करें तो 9 महीने से 1 साल तक आप लोगों की इसमें ट्रेनिंग होती है, 9 महीने से लेकर 1 साल तक आप लोगों की जीडी की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा इसमें सहूलियात का क्या मिलती हैं जी, सहूलियात आप लोगों को इसमें फ्री खाना मिलता है, रिहाइश मिलती है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का या जो सफ़र है रेलवे या हवाई जहाज़ का वहाँ पर आप लोग को जो है हाफ किराया देना पड़ता है, मेडिकल फ्री होता है, खाना वगैरह फ्री होता है, ठीक है, और बच्चों की जो एजुकेशन वगैरह है वो फ्री होती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग की प्रमोशन भी होती है, डिपार्टमेंटल आप लोग की प्रमोशन भी मिलती है, आप लोग जीडी 7 से जीडी 11 बन जाते हो। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीडी 7 का क्या काम होता है, इनका रैंक क्या होता है। अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक इनका जी जैसे जीडी 7 तो जीडी 7 इनका रैंक होता है। जीडी से मुराद क्या होता है जी, जीडी आप समझ लें जिस तरह का ये कॉन्स्टेबल होता है। तो व्यूअर्स ये थी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जीडी के बाद जीडी 7 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, जो सैलरी पोस्टिंग ड्यूटी टाइमिंग ट्रेनिंग सब कुछ आपको बता दिया। वीडियो के लास्ट में आपको कहते चलूँ कि आप किसी भी जॉब की रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं तो वो अवेलेबल हैं, वो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।